हेलो, निकल गई हूँ, आ रही हूँ। गली के नुक्कड़ पे अपना वैन है, उसमें चढ़ जा। वैन एक होटल पे रुकेगी। ठीक है। ये क्या, इतनी बकवास जगह पे लेके आए हो? ऐसी जगहों पे आने से किसी को शक नहीं होता है सर। यही है, देख लीजिए। वाव, माल तो एकदम जकास है। तू है दरवाजे के बाहर? तो दिव्या खड़ी थी, तू यहां कैसे आई? दिव्या कहाँ है? दिव्या नहीं आएगी। दिव्या ही नहीं, कोई भी लड़की नहीं आएगी। ओहो, तो आज से उनके बदले में तू आएगी क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी हिम्मत तेरी? अब मैं तेरा रेप करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता वाला उसका घमंड ही हमारा अवसर है। तुमने सही कहा संगीता, कुछ बड़े लोगों के दम पर वो ये सब कुछ कर रहा है। अगर हम पुलिस वालों से उसे रंगे हाथों पकड़वा सके तो बस, इस काम में मीडिया तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेगी। आप प्रोसीड हो जाइए, मैं देख लूंगा। शिव जब तुम्हें फोन करके बुलाएगा, वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देती रहना। विक्रम और मैं तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, पर अंदर जाने वाली तुम नहीं होगी, मैं जाऊंगी।
डोमेस्टिक प्रोस्टिट्यूशन कराने के जुर्म में, साथ में संगीता नाम की लड़की पर यवनों को बलात्कार के प्रयत्न करने के जुर्म में दोषी पाया गया और आईपीसी सेक्शन 376 के तहत 5 साल कठिन कारागार का सजा सुनाया जाता है। रानी तेरा ही नाम है क्या? कूड़ेदान में पड़े सोने को जब तक कोई नहीं उठाता, तब तक वो कूड़े के समान ही होता है। यहां रहेगी तो तेरी हालत भी वैसी होगी। झोपड़पट्टी वालों को लड़की मिल जाए तो बस, खूबसूरत लड़की के लिए पैसों के बौछार करने वाले हरामी लोग मेरे पास बहुत है। तुझे जितने पैसे चाहिए दिला दूंगा, चल मेरे साथ। यहां रहेगी तो सिर्फ रानी बन के, मेरे साथ चल महारानी बनाऊंगा। के जाने के बाद कोई और नजदीक आएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। पेट भरने के लिए ये काम शुरू किया था, अब बस तुम्हारे लिए करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, पर कभी मुझे छोड़ के चले मत जाना। तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रानी, क्या सोच रही हो? मां याद आ रही है? हाँ, मुझे मेरी मां हर वक्त याद आती रहती है।
मुझे अकेले छोड़ के मर गई वो, सब मेरे बाप की वजह से। मेरा बाप बुरा आदमी था, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारे सर पे छोटा सा चोट है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो देखो तुम्हारा शिव। थैंक यू डॉक्टर। अब चलें। कस्टमर्स फोन कर रहे हैं रानी, तुम्हारा जख्म तो भर गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें भूल ही जाएंगे। ठीक है फोन करो, जाऊंगी। पुलिस, ए रुक, ए रुक जा, हाथ छोड़। तुम्हें क्या हो गया संगीता? तुम यहाँ कैसे, ऐसी जगह पर? मैं
विक्रम हूँ, याद नहीं आ रहा है? विक्रम है? कौन विक्रम? पहले हाथ छोड़, मैं संगीता नहीं हूँ, रानी। रानी हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो। कह रही हूँ ना, मैं संगीता नहीं हूँ, रानी हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ, नहीं छोड़ोगे? अरेस्ट करोगे क्या? कर लो। शाम तक मेरा शिव आएगा और मुझे छुड़ा के ले जाएगा। शिव आएगा? क्या ये सब तुम ही बोल रही हो? हाँ मैं ही बोल रही हूँ, सामने हूँ, दिख नहीं रहा है? मैं अच्छी नहीं लगी क्या? मेरा रेट 10,000 है, तुम जहाँ भी ले जाओगे ना साथ आ जाऊंगी। अबे कौन है तू? मुझे यहां क्यों लाया? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गया? क्या चाहिए तुझे? क्या हुआ था संगीता, क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो? कितनी बार बताओ बे, मेरा नाम संगीता नहीं है, रानी है। पहले मुझे मेरे शिप के पास जाने दे, मुझे कुछ हो गया वो तुझे मार डालेगा। अबे मुझे मेरे शिप के पास जाने दे, रुक जा, वो तुझे मार डालेगा। अबे मुझे यहां से जाने दे। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा केक कैसा है बताना? सुपर। 5 मिनट में मैं आपका खाना तैयार करती हूँ, आप तब तक केक खाते रहिए। पापा यहाँ खड़े हैं। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी मैं इतनी मुश्किल से करा पा रहा हूँ, डरता हूँ मैं कल तेरी शादी कैसे करवाऊंगा। बाप की हैसियत से मैं हार गया हूँ। हर मिडिल क्लास बाप ना बेटी के पैदा होते ही कितनी भी मुश्किल हो उस बेटी को इंजीनियर बनाऊंगा डॉक्टर बनाऊंगा बोलते हैं, पर 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। पर आप वैसे नहीं हो ना पापा, बचपन से मेरे लिए आपने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए आज तक आप मेहनत करते जा रहे हैं। बाप के नाते आप जीत गए पापा। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती पापा, आपके लिए मुझे कुछ करना है, आपके बेटी के नाते मुझे जीतने दीजिए। डरता हूँ इस बीच मुझे कुछ हो ना जाए, तुझे अकेला छोड़ के चले जाने का डर है। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मेरे पे भरोसा कीजिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो अकेला जीने का हिम्मत है तुझमें? आपकी बताई हुई बातें सिखाई नीतियां ही मेरी शक्ति है पापा, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, बस आप देखते रहिए, इसे भगवान भी नहीं रोक सकते।
प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अनजाने में हो गया। अपने मर्जी से मैं जहां भी भेज रहा हूं जा रही है ना, फिर अनजाने में पुलिस को कैसे बता दिया? जानबूझकर बताई थी। मुझसे और ये काम नहीं होगा, टॉर्चर करके मार रहे हैं, मैं सह नहीं पा रही हूँ। काम नहीं करेगी तो पैसे कैसे कमाएगी बता? तुझे सुख भी चाहिए पैसे भी चाहिए, कैसे होगा? तुझ पर इतने पैसे लुटाने वाला तो अपना शौक पूरा करेगा कि नहीं? वैसे भी तुझे काम नहीं करना था तो मुझे बताना था ना, पुलिस वाले के पास क्यों गई? मुझे कुछ हो जाता तो मुझ पर भरोसा रखने वाली इतनी सारी लड़कियां कहां जाती? बस एक बार मुझे माफ करके जाने दो, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। बोल मैं कभी गलती नहीं करूंगी, मानूंगा। एक बार गलती कर दी मत कहना फिर नहीं करूंगी। शिव है, 5 मिनट बात करना है। कौन है आप? मुझसे क्या काम है? बताऊंगा पर यहाँ नहीं, तुम्हारी कॉलेज कैंटीन में बैठ के बात कर ले। ठीक है। दो चाय। बताइए। तुम्हारा नाम दिव्या है, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, चाचा चाची के पास रहती हो, स्कॉलरशिप लेकर पढ़ती हो, उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी कि तुम्हें पालना मुश्किल है, बाहर जाकर अकेले जीने का हिम्मत भी तुम्हें नहीं है। कौन है आप? ये आप कैसे जानते हो? इन विषयों पर बात करने से ना तुम्हें ना मुझे दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल और बाकी है, तब तक तुम्हें पैसों की कोई परेशानी ना हो इसलिए एक छोटा सा नौकरी देखा है। कैसी नौकरी? हफ्ते में एक बार आओगी तो चल जाएगा, 1 घंटे का 10,000 दिलाऊंगा, मन हो तो कभी भी आ जाओ। हेलो,
क्या सोच रखा है मेरे बारे में? पैसों के लिए कुछ भी करने वाली लग रही हूँ क्या? पहले ही ऐसे निकलोगे या प्रिंसिपल सर को तुम्हारी कंप्लेंट करूँ? गुस्सा क्यों करती हो? आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, पसंद हो तो काम करो, मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ। पसंद ना हो तो बता दो, अभी चला जाता हूँ। अच्छी तरह सोच लो, अब जो तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। अरे, छोटी छोटी बातों के लिए मन मार के रह जाती हो, ढंग के कपड़े भी नहीं है। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता होगा पर नहीं हो पाता। जब मौका मिले तब किस्मत सवार लेना चाहिए। कल तुझे नौकरी मिल जाए तो चले जाना, शादी तय हो जाए तो छोड़ दे, तब तक तो जिंदगी को एंजॉय कर ले। ये बातें किसी और को पता चल जाएगी, इसके बारे में डर मत, ये हमारी बीच की बातें हैं। जिस भगवान ने तुझे गरीबी में पैदा किया, क्यों तुझे इतनी खूबसूरत बनाया? तेरी खूबसूरती ही तुझे अमीर बनाने वाली है। जरा सोच ले, जो लोग इस काम को बुरा समझते हैं ना, ना वो तुझे खिलाएंगे, ना तेरे कॉलेज की फीस भरेंगे। तेरा मन हो तो कॉल कर लेना, वरना फाड़ के फेंक देना। औरत की खुशकिस्मती क्या पता है? औरत बन के पैदा होना है। दिव्या बोल रही हूँ। मैं आपकी बात मानूंगी। इस विषय के बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? हम दोनों के बीच में ही रहेगा। अगर मुझे काम पसंद नहीं आया, छोड़ सकती हूँ ना? जब तुम्हारी मर्जी हो चले जाना। ठीक है, मुझे कब आना होगा? फोन करूंगा। सर, नई माल आई है, इस हफ्ते में तैयार रहना। तू ट्राई करे और लड़की ना फंसे हो ही नहीं सकता। जरूरत इंसान से कोई भी काम करा सकती है, इतना समझ ले। जरूरतमंद औरत तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर अगला कौन है? संगीता। बात करना है? तुम संगीता हो, बाप छोटा सा नौकरी करता है, बचपन में मां गुजर गई, बाप बहुत मुश्किलें सहकर तुझे पढ़ाता रहा। तुझे अगर आगे पढ़ना है तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ तो बताता हूं। Thank you.
कितनी भी इज्जत से पूछ ले, मेरा जवाब ऐसा ही होगा। घमंडी लग रही है भाई, छोड़ देते हैं। इसके पीछे पड़ने से कहीं अपना बिजनेस ना चौपट हो जाए। इंसान दो तरह के होते हैं दोस्त, एक पैसे के पीछे भागने वाले और एक मौत से डरने वाले। उसने पैसों की बात नहीं मानी, पर उसकी जान तो उसे प्यारी होगी। लगता है उसे मौत से डर नहीं, लगता है हिम्मत वाली औरत से संभल के चलना चाहिए। उसे मारने की धमकी दी तो उसे डर नहीं लगा, बाप को मारने की धमकी दूंगा तो जरूर डरेगी ना। सर, अर्जेंटली एक कंप्लेंट लिखवाना है। क्या हुआ? मेरा नाम संगीता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। करती है क्या है तुझमें? अभी के अभी यहां गला दबा के मार दूं तो मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। तूने उस दिन जो मुझे मारा मैं अभी तक भूला नहीं। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तू तो मेरी पूंजी है। अगर बाप को जिंदा देखना चाहती है तो एक हफ्ते के अंदर मुझे तेरा फोन आना चाहिए। जब तक तू मेरी नजरों में नहीं पड़ी थी, तेरी जिंदगी तेरी मुट्ठी में थी। पर एक बार मेरी नजरों में तू पड़ गई तो तेरी जिंदगी मेरे इशारों पे चलेगी। तू मुझसे छुप नहीं सकती। सर, मैडम से कंप्लेंट ले लो। जी अच्छा। ये लीजिए सर। थैंक यू सर। जल्दी कोई एक्शन लीजिए। आप जाइए, मैं देख लूंगा। शिवा पे कंप्लेंट करके आ रही हो? हाँ, तुम कौन हो? शिव को पहचानती हो?
पहचानती हूँ, शिवा। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। हमारा ऐसे भी शिवा का आदमी है, मेरे ख्याल से अब तक उसे फोन भी कर दिया होगा। मैं क्यों भागने लगूं? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाया है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने से अगर समस्या हल हो जाती तो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर हमें शिवा जैसे आदमी के बारे में बातचीत करनी नहीं पड़ती। ये सच ही बोल रहे हैं संगीता, उसके कब्जे में मेरे अलावा 200 लड़कियां और भी है। हमारी जिंदगी को वो नरक बना के रखा है। पुलिस वालों को बताने की कोशिश करे या भागने की कोशिश करे, वो हमें मार डालेगा। तुम एक दिन के लिए भी उसे जेल में डलवा नहीं सकते। प्लीज मेरी बात मान लो, भाग जाओ। तो हम उसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेलो, निकल गई हूँ, आ रही हूँ। गली के नुक्कड़ पे अपना वैन है, उसमें चढ़ जा। वैन एक होटल पे रुकेगी। ठीक है। ये क्या, इतनी बकवास जगह पे लेके आए हो? ऐसी जगहों पे आने से किसी को शक नहीं होता है सर। यही है, देख लीजिए। वाव, माल तो एकदम जकास है। तू है, दरवाजे के बाहर तो दिव्या खड़ी थी। तू यहां कैसे आई? दिव्या कहाँ है? दिव्या नहीं आएगी। दिव्या ही नहीं, कोई भी लड़की नहीं आएगी। ओहो, तो आज से उनके बदले में तू आएगी क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी हिम्मत तेरी? अब मैं तेरा रेप करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता वाला उसका घमंड ही हमारा अवसर है। तुमने सही कहा संगीता, कुछ बड़े लोगों के दम पर वो ये सब कुछ कर रहा है। अगर हम पुलिस वालों से उसे रंगे हाथों पकड़वा सके तो बस, इस काम में मीडिया तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेगी।
आप प्रोसीड हो जाइए, मैं देख लूंगा। शिव जब तुम्हें फोन करके बुलाएगा वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देती रहना। विक्रम और मैं तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, पर अंदर जाने वाली तुम नहीं होगी, मैं जाऊंगी। के बाद फिर तुम्हें कभी शिव का फोन नहीं आएगा। आराम से जिंदगी जियो। कम से कम तुम्हें पापा याद है, तुम्हारी हालत देख के वो क्या सोचेंगे। मेरा बाप कब का मर गया, पीपी कर। तेरा बाप मर गया है, कब? बहुत साल पहले। क्या नाम है पापा का? नहीं पता। पता नहीं, बाप का नाम कैसे पता नहीं? भूल गई, इस बीच एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद नहीं। एक्सीडेंट हुआ? शिव के अलावा मुझे कोई याद नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा, कहा था डॉक्टर ने। कौन था डॉक्टर? जॉन, शिव का दोस्त। जॉन था? कहाँ रहता है वो? नहीं पता। सर, दो साल पहले जॉन नाम के कैदी के बारे में बताया था। सर क्या मैं उसका फाइल एक बार देख सकता हूँ? मुझे भी ना बताए कहां चली गई। तू क्या चाहिए? तू रानी को जानता है? नहीं जानता। संगीता? नहीं जानता। ठीक है, शिवा को तो जानता है ना? मैं किसी को नहीं जानता, तुम चले जाओ यहां से। रानी मेरे पास ही है। तेरे पास कैसे पहुंच गई? नहीं जानता बोल रहा था। शिवा से मैं जेल में मिला। और कितने दिन अंदर रहूं? तू कोई छोटी मोटी चोरी करके अंदर नहीं गया है? एक लड़की को रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुझे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी अंदर डाल देंगे।
कुछ दिन इंतजार कर जब तक मैं ना बोलूं। किस पे इतना गुस्सा? दुख बांटने से कम होता है, गुस्सा बांटने से बढ़ता है। कोई बात नहीं, बता। संगीता, उसने मुझे मार के जिस तरह से मेरी तरफ देखा, याद आने से उसे मैं इतना भयंकर मौत दूंगा कि धूप में तपती हुई एक गर्म पत्थर पे छोटे से कीड़े को डाल दो तो जिस तरह से वो तड़प के मरती है, उसे भी उसी तरह तड़पना होगा। मैं तुझे बदला लेने के लिए सहायता करूंगा। तू मारे या उसे जाने दे, एक दिन तेरे शत्रु को जरूर मौत आएगी। उसके लिए तुझे कुछ करना नहीं होगा। बदला लेने का मतलब शत्रु को मारना नहीं होता, हमारे हिसाब से उनको बदलना होता है। कैसे? कई साल कोशिश करके मैंने दवाई बनाई, मेरा प्रयोग सक्सेस होने ही वाला था, अरेस्ट करके अंदर डाल दिया। उस दवाई से क्या करोगे? तुम्हारे हिसाब से बदल के दिखा दूंगा। ऐसा करूंगा कि वो तेरे पीछे पागल हो जाएगी, तू जो बोलेगा वो करेगी। इतनी बदल जाएगी? पहले मुझे तेरे साथ बाहर निकाल, बदल के दिखाऊंगा। तेरी दुश्मनी मेरा प्रयोग होगा। बाहर आने के बाद तुमने अगर नहीं किया, मुझे मारना तेरे लिए कौन सा बड़ा काम है? ये दवा मैं उसको इंजेक्ट करने वाला हूं। ये दवा धीरे से उसके ब्रेन को अटैक करेगा। कुछ दिन वो गहरी नींद में सो जाएगी। नींद से जागने के बाद संगीता बस एक छोटी बच्ची बन के रह जाएगी। हुआ कल नहीं होगा। सब कुछ भूल जाएगी, उसके बाद तुम क्या करोगे? बीती बातें भूल के कल से अनजान होकर वो कौन है, कहां है, जानने की कोशिश करेगी। हर इंसान में नॉर्मली एक सोच होती है, मेरे दिए हुए दवाई से वो सोच 100 गुना बढ़ जाता है। उनके दिमाग की स्थिति के अनुसार उनकी सोच होती है। अब मैं वो कौन है, यहां क्या कर रही है, बताने वाला हूं। रानी, तेरा नाम, तेरी मां। हाँ,
दिन रात को तू और तेरी माँ तेरे बाप का इंतजार कर रहे थे। शिव तुझे ढूंढते हुए आया। रात को तू और तेरी मां तेरे बाप का इंतजार कर रहे थे। संगीता से बन गई है रानी, उसकी जिंदगी अब शिव से जुड़ गई है। रानी क्या सोच रही हो, मां याद आ रही है? हाँ डॉक्टर, मुझे हर वक्त मां याद आती रहती है। मुझे अकेला छोड़ के वो मर गई, सब मेरे बाप की वजह से। मेरा बाप बुरा आदमी था, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारे सर पे छोटा सा चोट है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो देखो तुम्हारा शिव। हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। थैंक यू डॉक्टर। अब चलें। बाद में शिव ने धीरे से रानी नाम के सपने को हकीकत में बदल दिया। एक अच्छी लड़की को बिगाड़ के रख दिया। डॉक्टर, तू डॉक्टर है? अब जिंदगी भर संगीता रानी बन के रह जाएगी क्या? नहीं, वो बस कुछ दिन और रानी बन के रहेगी। इस दवाई को हाई डोज में दे दिया तो उसे जिंदगी भर संगीता याद नहीं आएगी। ये जिंदगी भर सब कुछ भूल के रानी बनकर जिएगी तो मैं बदला कैसे लूंगा? इसकी जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है, ये बात इसे पता लगना होगा। मेरे आंखों के सामने इसे फूट फूट कर रोना होगा। तब जाके मेरी दुश्मनी निभेगी। शिव ने जैसे बताया, मैंने दवाई का डोज सिर्फ 10% ही उसे दिया। वो 9000 घंटे तक काम करेगा, यानी कि एक साल। मैंने 8 महीने पहले उसे दवाई दिया था। अगले 4 महीने तक वो रानी बनके ही रहेगी। तुम लाख कोशिश कर लो, याद नहीं आएगा। सच? तू सच ही बोल रहा है ना? फिर संगीता की याददाश्त वापस आएगी ना? सच में 4 महीने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। रानी बनके जीने वाला ये साल भी उसे याद रहेगा। सब कुछ याद आने के बाद क्या करोगे? शिव की बातें मानकर रानी बनके जिएगी तो उसका जान बच जाएगा, नहीं तो
मारी जाएगी। अब मुझे जाने दे। छोड़ दूंगा, संगीता की याददाश्त वापस आ जाए छोड़ दूंगा। किसी लड़की के लिए 4 महीना लीव लगना जरूरी है? पुलिस वाले को सिर्फ पुलिस स्टेशन की चौकीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी ने दुश्मनी, किसी ने प्रयोग के लिए संगीता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। मैं पुलिस स्टेशन भले ही नहीं आ रहा हूं, पर ड्यूटी भी नहीं छोड़ रहा हूं। सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। उठती लहरों की है ये कोशिश, पढ़ती रह तू पलट किस्मत को। दिल में तेरे समाया खुद को, तू अभी खोज के राह दिखा के साथी बन जा तू कभी। जीवन के इन बंधनों में जो सपने तेरे देखे वो तुझे प्यार से, तू दिखा दे आईना। सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। पसंद नहीं आए। अनंत है तेरी आशाएं, सीने में है लोहा भरा, जीवन को सर झुकाना पड़ेगा। हरा के तू अतीत को उभार ला सच्चाइयां। तेरी कहानी तू है रानी, तेरी संघर्ष तू करती चली जा। सागर ने भी सर झुका लिया, सब हार के सब भुला दिया। आज 4 महीने पूरे हो गए। Thank you.
युबे, बोला था 4 महीने में याददाश्त वापस आएगी, संगीता अब भी वैसे ही है। ये दवा 1 साल से ज्यादा काम नहीं करता, मेरा विश्वास करो वो बहुत जल्द संगीता बन के नींद से जागेगी। मैं जानता हूं संगीता, तू जरूर मुझे ढूंढती हुई आएगी। विक्रम, संगीता, चलो मेरे साथ। इस शहर से ट्रांसफर होने के कई दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी याददाश्त वापस आने तक मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। दुश्मनी करके, प्रयोग करके दोनों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें कुछ बताना है संगीता, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। तुम्हारे पापा नहीं रहे संगीता, उस शिवा ने ही मार दिया। तेरी राह की सोचा थी, उदयवी चले किसी को घायल दिल ने मांगी जिंदगी। संगीता, घायल दिल ने मांगी जिंदगी। संगीता, किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया, किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया, तेरी कल नहीं कोई रोक पाया।
मेरे पापा का मंदिर ये मेरी लगने लगी समय के सब बेड़िया टूट के तू चलती जा चोट खाई दिल तेरी सीने में लेकर भरती जा दिल में लगी जो अग्नि तेरी चिता कहने लगी है तेरी कदा तुझको अंधेरों ने घेर लिया किन रंगों में सजा के तुझको अंधेरों ने घेर लिया तेरी कल नहीं कोई रोक पाया क्या सोच रही हो संगीता अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं पहला उसके मर्जी के हिसाब से रानी बनकर उसके साथ जीना दूसरा उससे दूर कहीं जाकर संगीता बनकर जीना तुम्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं इसलिए मैं जानता हूं तुम ये दोनों रास्ते नहीं चुनोगी जाओ संगीता तुम्हारी आजादी तुम खुद ही हासिल कर लो जाओ जानता था संगीता तुम जरूर आओगी तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही पता चलता है कि तुम मुझ पर कितने गुस्से में हो पर अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है संगीता पहले लगता था कि तुझे मार डालूं
पर आज ऐसा नहीं लगता। पता है क्यों संगीता? मार्केट में तेरी शरीर की कीमत क्या है पता है तुझे? हर हरमज़ादा रान रान सपना देख रहा है, तेरे लिए मरने को तैयार है। आगे ऐसे ही चलने दे, बहुत पैसे। क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे हो चाहे ना हो, पर हमारी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर, हमारी जिंदगी हम जी रहे थे, जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुस के हमारे शरीर को बेच के पैसे कमा रहे हो, शर्म नहीं आती? तू इंसान है क्या? जीने का कोई और रास्ता नहीं था क्या? तेरी बातें सुनकर मुझे क्या याद आ रहा है पता है? जैसे शेर के चुंगल में फंसे हिरन शेर से विनती कर रही हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, जाने दो ना, दया करो। तूने पूछा तो एक कहानी सुनाता हूं। एक कॉलोनी में एक औरत रहती थी। उसने अपने पति के पीठ पीछे किसी और से अवैध संबंध जोड़ लिया। सबके नजरें बचाकर उसने यह काफी दिन चलाया, पर कुछ दिन बाद उसके सारे कांड उस कॉलोनी के एक बच्चे ने देख लिया। उस बच्चे से उसने वादा ले लिया कि यह बात वो किसी को नहीं बताएगा। बच्चे ने भी कहा मैं किसी से नहीं कहूंगा। पर इस घटना के कुछ दिन बाद वो बच्चा कॉलोनी का एक और लड़के को साथ लेकर आंटी के घर पहुंच गया। आंटी आंटी, गलती से मैंने सारी बातें भैया को बता दिया। भैया कह रहे हैं कि आपके पति को बता देगा, और मुंह बंद रखने के लिए कहा कि आपसे मिलना चाहता है। और डर गई और उसकी बात मान ली। एक हफ्ते बाद बच्चा किसी और को लेके पहुंच गया। कुछ दिन बाद किसी और को। करते करते कुछ दिन बाद उसे बच्चे की टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेचारी खुदकुशी करके मर गई। तब तक दूसरों से पैसे ले लेकर आराम से चल रही उस बच्चे की आमदनी एकदम से रुक गई। पर तब तक वो बच्चा एक बात समझ गया था, औरत के लिए कितना भी खर्च करने वाला मर्द जब तक है, वो औरतों पे आराम से बहुत पैसा कमा सकता है। तब से उसने शिकार करना शुरू किया। तू समझ गई ना बच्चा कौन था? क्यों इतनी घिन भरी नजरों से देखती है? क्या तुझे याद है तूने मेरे साथ कितने बार सोया था? मेरे आमदनी के आड़े कोई भी आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ता हूं संगीता। तुझे किडनैप करके तेरे बाप को, उस दिन तेरी मदद करने वाली दिव्या को मैंने मार दिया। उस कांस्टेबल के बारे में पता लगने से पहले ही तेरी याददाश्त वापस आई, वो बच गया। मुझे तेरी हिम्मत ही तो भाग गई। खुद अपनी मौत को ढूंढते हुए यहां ही है। मुझे चप्पलों से पिटवाई थी ना, साथ सुनाया।
संगीता, रानी बालिका शरणालय आज 3 साल का हो चुका है। केक खटो। मैंने सच में ये सोचा नहीं था संगीता, उस शिव के दिए हुए जख्मों को बर्दाश्त करके फिर से उठ खड़े होकर कलेक्टर बनके पापा के सपने को पूरा किया। जिस घर में उसने औरतों की जिंदगी बर्बाद की उसी को तुमने मंदिर बना दिया। आज इतनी सारी लड़कियों को तुम पढ़ा रही हो, सर पे छत दे रही हो, सच में ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोग। तुम्हारे साथ के बिना मुझसे अकेले ये सब नहीं हो पाता। उस दिन तुम्हारे जगह पे अगर कोई और होता तो मुझे छोड़ के चला जाता। मैं ये सब हासिल कर पाई क्योंकि मेरे पीछे तुम हिम्मत बन के खड़े थे। आज भी दिव्या का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। उसका दुख नहीं मेरा हिम्मत बढ़ाया। दिव्या की तरह बहुत सारी लड़कियां पैसों की कमी की वजह से रानी में ना बदल जाए, ये मेरी कोशिश है। वैसे वो है कहाँ? जब से आया हूँ दिखा ही नहीं। कई साल पहले मैं मेरी बीवी बच्चे के साथ गांव छोड़ के शहर आ गए। अचानक एक बहुत बड़ी लॉरी एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बेटा चल बसे। मैं भी मर ही जाता पर संगीता मैडम और विक्रम सर ने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। लाचार पड़ा मुझको, नौकरी दिया और खाना भी खिलाया। वो बहुत भले आदमी हैं, बहुत भले। ए शिवा, संगीता मैम बुला रही हैं। हाँ आया मैडम। इसे मारना मेरा लक्ष्य नहीं है विक्रम, क्योंकि हर गली में ऐसा कोई ना कोई जरूर है। इसी ने कहा था, बदला लेना मतलब शत्रु को मार डालना नहीं होता, अपने हिसाब से उसे बदलना होता है। अब तेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला मौत, दूसरा मैं जैसे बताऊं वैसे करना। आपके हिसाब से मैंने शिव को बदल दिया, अब उसे अपना कल याद नहीं रहेगा। प्लीज मुझे मारो मत, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा।
ओके बाय बाय। मैडम।